Hello to all my food lovers. Main hu Sabah and you are welcome to Hindustani Chatore. Friends, aaj hum banane ja rahe hain instant oats dosa. To chaliye friends shuru karte hain. Friends, ye dekhiye yahan maine oats liya hai. Ye safola oats hai. Aap koi bhi brand ka oats le sakte hain. Ise maine dry roast kar liya hai friends. Next humne liya hai suji friends, jise hum उपमा रवा के नाम से भी जानते हैं. तो फ्रेंड्स चलिए मैं फटाफट से आपको मेजरमेंट बता देती हूँ. ये देखिए यहाँ मैंने एक कॉफ़ी मग लिया है. आप चाहें तो ग्लास या कोई भी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी मग से मैंने एक मग ओट्स लिया है और सेम एक मग ही सूजी या उपमा रवा जिसे आप कहते हैं वो लिया है. दोनों मेजरमेंट मैंने इक्वल रखा है फ्रेंड्स. अब हम इन दोनों को ग्राइंडर में डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने दोनों को ग्राइंड कर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है, आपको नज़र आ रहा होगा. पहले मैंने रवा को ग्राइंड किया, उसमें ओट्स ऐड करके दोनों को मिला के ग्राइंड किया है और अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने हैं. तो सबसे पहले मैं इसे दूसरे बाउल में, बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे. तो यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ नमक, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हाफ कटोरी कर्ड. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से चम्मच से फेंट लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और मैं इसे इसमें मिक्स कर रही हूँ. और इसके बाद हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है. अब हमें वाटर इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है. और फ्रेंड्स हमें पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसे हमें मिक्स करना है. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है और आपको भी इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसी ही रखनी है. ज़्यादा पानी ऐड अभी नहीं करना है और बस इसे हमें कवर करके हाफ़ एन आवर के लिए रेस्ट पे रख देना है. और जब हम डोसा डालेंगे उस वक्त और पानी इसमें ऐड करेंगे. अभी ये पानी इस रवा के लिए सफिशिएंट है, ये इसमें अच्छी तरीके से फूल जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चेक कर लेते हैं. तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा रवा यहाँ अच्छी तरीके से फूल चुका है और बस अब हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इस बैटर को हमें थोड़ा पतला करना है फ्रेंड्स. तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अभी भी थोड़ा थिक है, इसमें हमें पानी थोड़ा और ऐड करना है और इसे पतला करना है फ्रेंड्स. तो ये देखिए मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ. तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है. अब ये हमारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है डोसा डालने के लिए फ्रेंड्स. तो बस आपको भी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है फ्रेंड्स. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, टू ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करके. तो फ्रेंड्स अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है. और फ्रेंड्स मैं यहाँ सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्ट ऐड किया था, आपको याद होगा. अगर आपके बैटर में आपको सॉल्ट कम लगता है तो आप इस स्टेज में ऐड कर सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम डोसा डालना शुरू करते हैं. तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ अपने तवे को अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसके ऊपर अब वाटर स्प्रिंकल करके मैं वेट क्लॉथ से अच्छी तरीके से इसे वाइप कर रही हूँ. इसके बाद हमें अपने स्टव का फ्लेम स्लो कर लेना है फ्रेंड्स और अपने डोसा बैटर को तवे के सेंटर में डालना है और स्पून के हेल्प से आपको इसे स्लोली रोटेट करते हुए तवे पे स्प्रेड कर लेना है फ्रेंड्स. और हमें स्टव का फ्लेम फुल कर देना है फ्रेंड्स. तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे डोसे का कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब हमारा डोसा एक साइड से बन चुका है. तो बस अब हमें इसके ऊपर घी स्प्रिंकल करना है और उसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है.
और वापस से हमें डोसे को फ्लिप कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि ये डोसा दूसरी तरफ से भी पक सके। फ्रेंड्स ये नॉर्मल डोसा नहीं है, इसलिए हमें इसे दोनों तरफ से कुक करना पड़ेगा। ये इसको एक्चुअली चीला भी बोलते हैं। ये नॉर्मल डोसे से थोड़ा सा थिक होता है, बट यकीन मानिए टेस्ट में तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है फ्रेंड्स। तो बस अब हमें दूसरे साइड से भी इसे इसी तरीके से कुक कर लेना है। तो चलिए अब हम फ्लिप कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, एकदम गोल्डन गोल्डन। और सच मानिए ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी होता है। तो चलिए अब हम दूसरा डोसा भी इसी तरीके से डाल लेते हैं फ्रेंड्स। वाटर स्प्रिंकल किया और वाइप किया, बैटर डाला और अच्छी तरीके से स्प्रेड किया, घी डाला और स्प्रेड किया और अब फ्लिप किया और अब कुक होने के बाद वापस से फ्लिप किया और अब सर्व करने से पहले फिर से खूब सारा घी लगाया, तभी तो आएगा ना मज़ा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितनी सारी जालियाँ इस पे आपको नज़र आ रही होंगी। नाउ रेडी टू सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने डिश आउट कर दिया है इसे और आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है और आप देखिए कितनी बारीक जालियाँ आई हैं इस पे और ये उतना ही क्रिस्पी भी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। क्या हुआ, दिल कर रहा है खाने का तो झटपट से बना लीजिए। फ्रेंड्स आप इसे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो टमाटो चटनी हो या ग्रीन चटनी, मज़ा तो आना ही आना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी।